बिस्किट बॉक्सिंग फिर से नया बिस्कुट करियो फर्स्ट टाइम हम लाए हैं ब्रिटानिया ब्रांड का था बहुत फेमस बिस्किट है अभी इतना फेमस चल रहा है सो बिस्किट जो अभी नया नया लॉन्च हुआ है अभी एक महीना पहले फिर वन वीक टू वीक पहले अभी लॉन्च हुआ है बिस्किट जो एकदम पूरा नया एकदम फ्रेश स्टॉक जैसा बिस्किट है ना उधर से उठा के जैसा लाते ना वैसा है पर वो एकदम खाने में जबरदस्त बिस्किट है इसका मैं छोटे से लेकर बड़ा से लेकर बड़ा तक आज बनाऊंगा इसका रिव्यू जो आता है ब्रिटानिया ब्रांड का तसला जिम जैम पॉप्स वो भी कितना बड़ा वाला बना रहा ठीक है तो ब्रिटानिया ब्रांड की तरफ से जिम जैम पॉप्स बिस्किट तो ये है ना खाने में एकदम जबरदस्त फ्लेवर एक्चुअली इसका देखने जाए तो क्योंकि इसका एक्चुअली जो ब्रिटानिया पहले जिम जैम आता था ना वो उतना फ्लेवर आता है सेम एक्चुअली इंग्रेडिएंट जाता है वही सेम है उसके ऊपर जस्ट क्या है ये बिस्किट है ना ऊपर उसके ऊपर उसके क्रीम उसके ऊपर जैम वैसे तीन लेयर जैसे बना दिए बिस्किट उसके ऊपर क्रीम व्हाइट वेनिला क्रीम उसके ऊपर जैम डाले हुए उसके नहीं तो नॉर्मल बिस्किट में एक लेयर जैसा था मिडल में डाले हुए ऊपर से बिस्किट आया नीचे से बिस्किट ठीक है वैसे डाले हुए थे इसमें ऐसा है ठीक है ये पूरा फैमिली पैक जैसा इसको बोल सकते हैं ठीक है हम तो इसको खाने में जबरदस्त फ्लेवर है ठीक है अभी तो खा चुका हूँ मैं जो पहले वीडियो बना चुका हूँ इसका ही पर ये नया नया आया हुआ है थोड़ा नया वाला ये थोड़ा पैक दिखने में फैमिली पैक जैसा बोल सकते हैं ना इसमें आपको कैसे दिखता है आप कैसे पता छोटे में आपको तो पता ही रहेगा ना ठीक है ठीक है तो अभी इसको खोलो आप फर्स्ट इसका मैन्युफैक्चर बता दो इसका मैन्युफैक्चर है मुंबई महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर है अभी इसकी प्राइसिंग बता दो आपको 100 रुपीज की प्राइसिंग यानी कि आपको टोटल है ना 20 रुपीज का एक पैकेट पड़ता है एक्चुअली जो ब्रिटानिया जिम जैम पॉप्स है ना जो एक्चुअली नॉर्मल लेते हैं सिंगल वाला पैक वो 20 रुपीज का पड़ता है तो आपको इसमें टोटल 1, 2, 3, 4 and 5, 5, 2, 5, 10 करेक्ट 100 रुपीज इसमें पड़ गया ठीक है 100 रुपीज का टोटल करेक्ट है ऐसा नहीं कि 20 रुपीज का एक लेते हो उसका थोड़ा बड़ा लेते हो ज्यादा प्राइस का बहुत ज्यादा प्राइस ऐसा नहीं करेक्ट एक्जैक्ट रखें 2, 5 करेक्ट 100 रुपीज करेक्ट है ठीक है इसमें अब आप जानते हैं इसके न्यूट्रिशन कंटेंट और इंग्रेडिएंट अनबॉक्स करने से पहले आपको मिलता है इसमें एनर्जी 500 ग्राम एनर्जी पूरा टॉप नॉच प्रोटीन मिला आपको इसमें 5.5 ग्राम तो कार्बोहाइड्रेट मिला आपको 79 शुगर मिलेगा आपको 37 टोटल फैट मिलता है आपको इसमें 31 आपको इसमें विटामिन नहीं मिलता है आप जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट आपको मिलता है इसमें रिफाइंड व्हीट फ्लोर के मैदा शुगर रिफाइंड पाम ऑयल इन्वर्ट शुगर सिरप मिल्क सॉलिड्स एडिबल स्टार्च फ्रूट प्रोडक्ट्स फ्रूट प्रोडक्ट्स कम सर मतलब कि एप्पल जूस बनाना पाउडर पाम एप्रिकॉट ओके वो सब डाले हैं इसमें एक्चुअली वो जैम के साथ फ्लेवर मिक्स करना पर जैम ओके ओके हाँ रास्बेरी पाइनएप्पल एप्रिकॉट यार इसमें ये जैम नहीं है ये रास्बेरी है गाइस एक्चुअली सब आप समझ आए इसमें ये देखिए इसमें वेनिला जो व्हाइट कलर का आपको दिखता है रास्बेरी जो वो है जैम पाइनएप्पल तो मुझे कोई फ्लेवर नहीं आता एप्रिकॉट अरे समझ नहीं गया बताइए ठीक है और ये मेन बिस्किट कंटेंट माने का व्हीट मिल्क सोय आपको बैकग्राउंड में वो फटाके तो फूट रहे होंगे आपको दिख रहे होंगे देखिए वो आवाज आ रहा है पर अभी दिवाली नहीं चल रहा है कैसे अभी दिवाली बिल्कुल नहीं चल रहा है पता नहीं कहीं को फूट रहा है अब इसको खोल के देख लेते अंदर से कहते अंदर से बिस्किट सील ऐसा इसको नहीं दिया खोलने के लिए सील है ना इसका ओके गाइस ये पैक बन गया इसको तो बेच सकते हैं नॉर्मली देखिए ये सिंगल पैक्स में आते हैं ना वैसे बिस्किट जैसे देखिए थोड़ा केमिकल से स्मेल क्यों आ रहा है वो अंदर से अभी नया फ्रेश सील खुला है ठीक है अब टोटल आपको पैक्स मिलते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एक को ले लेते बाकी को साइड पे रख देते हैं ठीक है अब इसको देखिए कितना मस्त पैकिंग दिखता है एकदम पर्पल कलर में ऐसे ऐसा लगता है कि ये बिक रहा है अभी ये प्योर ऐसा नया नया ऐसा लगता है कि ओके कौन सा एक बिस्किट है तो इसमें ब्रांडिंग ऐसा किया ना थोड़ा डिजाइन की तरह से देखने जाते हैं एकदम मस्त दिखता है जिम जैम पॉप्स ब्रिटानिया उसको खोल लेते हैं क्या मस्त स्क्वायर डिजाइन में कटे हुए देखे मस्त एकदम पैक में डाल के दिए हुए इसमें अब काउंट करते कितने पीस मिलते आपको इसमें
50 बिस्किट मिलते हैं आपको सिर्फ वन पैक में, 50 बिस्किट नहीं, वन पैक में 10 बिस्किट के, ठीक है, 10-20 रुपीज है ना, 2 रुपीज का वन बिस्किट। अभी देखिए ऐसे दिखते हैं, एक सिंगल सिंगल बिस्किट, वो छोटा साइज का बिस्किट बोलते हैं ना एकदम, देखिए मेरे हाथ से बहुत छोटा साइज है, देखिए वो छोटा साइज का बिस्किट बोलते हैं ना वैसा है, इधर रख देता हूँ, ठीक है। अब लेते हैं इसको स्मेल, कितना मस्त वो रास्पबेरी का स्मेल आ रहा है इसमें, पूरा रास्पबेरी है ना पूरा चिपक गया ऊपर एकदम, बहुत बहुत गट से बैठ गया इसके ऊपर है ना, ठीक है। अब खा के देख लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअली इसका फ्लेवर था ना खाने में एकदम जबरदस्त, वो रास्पबेरी और वेनिला का फ्लेवर है ना, वो नॉर्मल जिमजाम जो पहले बेचते थे लोग उससे थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल फ्लेवर जैसा आता है ना, एकदम मस्त खाने में फ्लेवर, वैसा इसका फ्लेवर है, ठीक है, बोलते एकदम खाने में जबरदस्त है। साइज के साथ देखने जाए तो भी इसका साइज भी बहुत ज्यादा ही है, पर मैं बोल रहा हूँ बोलता इसका साइज बोल इससे मैटर नहीं करता कि अरे फ्लेवर कम आएगा, बिल्कुल नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रास्पबेरी और वेनिला का मिलके ना जबरदस्त फ्लेवर मिलता है इसमें। अब है ना नॉर्मल ऐसा रास्पबेरी लेंगे उसका क्या जूस निकालेंगे, अब वेनिला ऐसा क्रीम आता है ना वेनिला क्रीम उसका उसको मिक्स करें तो शायद ऐसा फ्लेवर आ सकता है, पर नहीं थोड़े इसमें एडिशनल इंग्रेडिएंट्स वो लोग डालते हैं, ठीक है, एक्चुअली इसका इतना अच्छा फ्लेवर आने के लिए, ठीक है। अब काम करते हैं, इसका शुक्रिया मेरा एक्सपेरिमेंट, आप पता है ना कमेंट कर देना, शुक्रिया मेरा एक्सपेरिमेंट विद बिस्किट, इधर से देते हैं एक बिस्किट को, इधर से लेते ग्लास में पानी, इसका संचय करते पानी में डाल के 5 सेकेंड के लिए, नहीं 10 सेकेंड के लिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, or 10 बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आपको माइक में आवाज भी आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको खा के देख लेते हैं, एक्चुअली जस्ट क्या हुआ फ्लेवर पता है, कुछ डिफरेंस नहीं है, जस्ट इतना ही, आप नॉर्मल जिसमें खाया था ना वो थोड़ा क्रंची और क्रिस्पी जैसे था वो, ठीक है, पानी में जाते ही सेम, एक्चुअली वैसे सेम फ्लेवर है पर अंदर सॉगी हो गया, अंदर पानी हो गया उसका, अंदर उसने पानी सब खींच लिया सर, अंदर उसके अंदर पानी बैठ गया उसके जाके, वो तो फ्लेवर एकदम सेम है, जस्ट आपको बिस्किट थोड़ा पानी पानी जैसा लगेगा, मैं इसको बोलता हूँ नॉर्मली खाइए, जबरदस्त से बहुत मस्त फ्लेवर है इसका गाइस, ठीक है, खाने में तो मेरा एक्चुअली ब्रिटेन का सबसे फेवरेट बिस्किट है खाने में, ये बिस्किट सच में फ्लेवर बहुत मस्त है। अगर ये लगे ना इसका थोड़ा साइज हल्का इतना है, हल्का इतना है ना बिस्किट, थोड़ा इसको इतना इतना कर देता तो जबरदस्त रहता है, ठीक है, पर ये लोग इतना रखे ओके 20 रुपीज की समझ जाता, अच्छा बिस्किट है सच में, इसको वर्थ इट है, ये खाने में जो एक्चुअली जो फ्लेवर भी दे रहे हैं ना खाने में जबरदस्त है, ठीक है। अब बोलते हैं इसको जाइए नदी की शॉप मंड में लेकर आइए, आपका टेस्ट बताना कैसा लगता है आपको इसको। अब जिसने भी खा चुके हैं आप ये वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और जिसने भी हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे जो बना चुके ये बिस्किट के और ये बिस्किट नहीं अलग अलग वैरायटीज के बिस्किट के और स्पेशली इसका तो मैं ये तीसरा है वीडियो क्योंकि ये इतना मस्त है, इसका छोटा सा फैमिली पैक छोटा पैक उससे थोड़ा बड़ा वाला उससे बड़ा फैमिली पैक, ठीक है, जबरदस्त खाने में फ्लेवर बिस्किट के, ठीक है, इसको मैं रिकमेंड करता हूँ, जाइए नदी की शॉप मंड में लेकर आइए, फ्यूल फुल्ली न्यू एकदम लॉन्च बिस्किट आपको मिलेंगे, फ्रेशली मिलेंगे, पूरे पूरे फ्रेश बिस्किट मिलेंगे, ठीक है आपको इसमें। अब ये स्कूल जाए बच्चों का तो पूरा बोल सकता हूँ ये पूरा पैकेट ले जा सकते हैं, नहीं बोलते अगर उतना स्कूल में होता अलाउड नहीं है बोलते ऐसा है बोलते 3 से 4 ले जा सकते हैं क्योंकि एक्चुअली फ्रेंड्स को खाने में बहुत जबरदस्त फ्लेवर लगता है, ये जैम और जैम बोलते जैम रास्पबेरी का जो फ्लेवर रहता है ना एकदम खाने में वो वेनिला के मिक्स होके सच में बढ़िया फ्लेवर रहता है, ठीक है। अब बोलते हैं इसको मैं चाय के साथ इसको मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, चाय कॉफी इसको बिल्कुल नहीं मैं रुको मैं रिकमेंड नहीं किसके साथ, इसको नॉर्मली खाइए जबरदस्त फ्लेवर रहेगा, स्पेशल स्कूल में जाके बात सकते हैं फ्रेंड्स को तो बहुत जबरदस्त फ्लेवर है इस चीज का। अब जो मैंने बिस्किट का रिव्यू आ जाएगा मॉर्निंग शॉप पर अगले यूट्यूब पे देख जाना एवरीडे एवरीडे मैं देखिए, ठीक है। सो थैंक फॉर द वीडियो, साइनिंग फ्रॉम बिस्किट बॉक्स।